हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू स्टडी मोर अबाउट फ्रैक्शंस एंड इन फ्रैक्शंस आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. आवर टॉपिक इज टाइप ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस के कितने प्रकार हैं. सो फर्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक और अनलाइक. लाइक का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. लाइक मतलब एक जैसे, एक जैसे और एक जैसे हैं. और अनलाइक मतलब जो एक जैसे नहीं हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे नहीं हैं. लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स एंड लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. नाउ लाइक फ्रैक्शन एग्जाम्पल 1/3, 2/3, 3/3, 9/3. सो यू कैन सी ऑल आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर 3. सो दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन हुज denominators are same. Now unlike fraction, fraction have the different denominators like 14, 5, 12, 9. They are not of same number, the number is not same in the denominators. So this is unlike fraction. Now moving on to our next type of fraction, that is proper and improper fraction. Proper fraction whose numerator is less than denominator. Proper fraction क्या होता है? जिनका numerator denominator से छोटा होता है. जिनका numerator denominator से छोटा होता है. Like fraction whose numerator is less than denominator. Numerator is less than denominator. So see, 8/10, तो इसमें क्या है? 10 बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो denominator बड़ा हो गया और numerator छोटा हो गया. 7/9, न्यूमरेटर छोटा है 7 एंड डिनोमिनेटर 9 है जो कि बड़ा है. 4/8, 4 छोटा है 8 बड़ा है. 2/5, 2 छोटा है 5 बड़ा है. तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है वो हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. अब देखो 10 है, 10 8 से बड़ा है तो क्या हो गया? ये इम्प्रॉपर हो गया. 9/7, तो 7 क्या है? छोटा है ना 9 से. 8/4, न्यूमरेटर अगेन बड़ा हो गया. 5/2, अगेन न्यूमरेटर बड़ा हो गया. दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था? हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या हो गया? हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1. जिसका भी न्यूमरेटर या ऊपर वाला डिजिट 1 है उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन. 1/9 लिया हमने तो 1 क्या हो गया? न्यूमरेटर. सो इट इज 1, सो वी विल कॉल इट एज यूनिट फ्रैक्शन. 1/5, 1 न्यूमरेटर है तो क्या हो गया? इट्स अगेन अ यूनिट फ्रैक्शन. नाउ 5/1, इज इट अ यूनिट फ्रैक्शन? नो, इट इज़ नॉट अ यूनिट फ्रैक्शन, बिकॉज यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा 1 होना चाहिए. न्यूमरेटर 1 होना चाहिए. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर विच शुड बी 1. कमिंग ऑन टू अ लास्ट फ्रैक्शन, दैट इज मिक्सड फ्रैक्शन. मिक्स मतलब सारा कुछ मिक्स होता है जिसमें. नाउ अ फ्रैक्शन हु हैज़ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. जिसमें होल नंबर के साथ साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, जैसे कि 2/2, 3/4. 2 हो गया और 3/4, 2 होल नंबर हो गया और 3/4 फ्रैक्शन हो गया. तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सड फ्रैक्शन. ये मिक्सड हो गया. इसको भी सॉल्व किया जाता है, बट वी विल स्टडी इट लेटर. बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर, जब भी 3 डिजिट एक साथ दे रखें, 2 यहाँ पे और 2 सेंटर वाली लाइन के सामने और 3 और बाय फ्रैक्शन में, तो हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. 4/2/6, दिस इज आल्सो मिक्स्ड फ्रैक्शन. हाउ यू कॉल इट? फर्स्ट आप 2 को बोलते हैं 2/3/4, वी कॉल इट लाइक दिस 2/3/4.
फोर टू बाय सिक्स, फाइव वन बाय फाइव, ऐसे इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है. ओके स्टूडेंट, लर्न प्रॉपरली यूनिट फ्रैक्शन. हाउ मेनी फ्रैक्शंस वी डिड स्टडी टुडे? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. लर्न, ट्राई टू लर्न द डेफिनेशंस. दे आर स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट. इन नेक्स्ट आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस.